तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और टीम इंडिया का स्कोर है 219 रन विद अ लॉस ऑफ 7 विकेट्स, यानी कि टीम इंडिया अभी 134 रन से पीछे है। तो अगर आज के दिन की शुरुआत की बात की जाए तो इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा 347 रन पे, जो कि था ओली रॉबिन्सन का, जिन्होंने 96 बॉलों में 58 रन बनाए। और ये इंग्लैंड के प्रॉपर बॉलर है, बैटर भी नहीं है। और इनका विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने, और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट और लिए, जिसके चलते इंग्लैंड ने बनाए 353 रन। और जॉय रूट आखिरी तक नॉट आउट रहे, जहां पर उन्होंने 274 बॉलों में 122 रन बनाए। और इंडिया की तरफ से जडेजा के नाम रहे 4 विकेट, जहां पर उन्होंने 32 ओवर डाले, 67 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए। और फिर उसके बाद बैटिंग करने आई इंडिया, और इंडिया ने अपना पहला विकेट ही 4 रन पे खो दिया, जो कि था रोहित शर्मा का, जो कि केवल 2 रन बना पाए और पवेलियन लौट गए। उनका विकेट लिया जेम्स एंडरसन ने। फिर उसके बाद गिल और यशस्वी जायसवाल ने भाई इनिंग को आगे बढ़ाया, लेकिन 86 रन पे इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, जिन्होंने 65 बॉलों में 38 रन बनाए। फिर रजत पाटीदार ने केवल 70 रन बनाए। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा ने तेज खेलने की कोशिश की थी, 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद उनका विकेट गिर गया। उनके बाद सरफराज खान ने यशस्वी जायसवाल के साथ इनिंग आगे बढ़ाने की कोशिश तो की थी, लेकिन 14 रन पे उन्होंने अपना विकेट खो दिया। और इंडिया की तरफ से भी यशस्वी जायसवाल ही करंट बैटर हैं, जिन्होंने अभी 50 से ज्यादा स्कोर बनाया इस इनिंग में, जहां पर उन्होंने 117 बॉल खेली और 73 रन बनाए। और उनका विकेट लिया शोएब बशीर ने। और आज के दिन के एंड तक टीम इंडिया का स्कोर है 219 रन विद द लॉस ऑफ 7 विकेट। और इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे शोएब बशीर, जिन्होंने भाई 4 विकेट अपने नाम किए। और ऐसा बॉलर भाई 4 विकेट लेके जा रहा है तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि पिच भाई ऐसी हो गई थी, बॉल ज्यादा टर्न हो रही थी और बैट पर भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल भी ऐसी आउट हुए थे, जिसके चलते भाई टीम इंडिया भी 134 रन से पीछे है। और फिलहाल ध्रुव जुरेल 30 रन पे नॉट आउट है और उनके साथ है कुलदीप यादव, और मुझे लगता है कल इंडिया के लिए 134 रन बनाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लगता है टीम इंडिया कल 134 रन भी बना पाएगी या फिर नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।